क्या हो गया? माही रानी, माही रानी, मैं तो 2 घड़ी के लिए शाहजी के पास बात करने गई थी। सुना है कि हवेली का कोई गार्ड ट्रेन तले आ गया, सोचा कुछ नजर न्याज कर दूं, उसके घर वालों को पैसे भिजवा दूं। अभी बात शुरू की थी तो ये फकीरा आ गई है भागी भागी बुलाने। कुछ नहीं अम्मी जी, कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा रहा था तो कहने लगी कि बाहर लेकर चलो। बाहर लेकर गई तो अचानक से चक्कर आ गया, शायद सुबह से कुछ खाया नहीं ना, कहती है डाइट करूंगी, बीपी लो हो गया होगा। एक तो मैं तेरी डाइटिंग से तंग आ गई हूँ माही रानी, 4 दिन बाद रुखसती है इसकी, क्या कहेंगे ससुराल वाले, बेबार लड़की रुखसत कर दी, हद होती है। कल तक ठीक हो जाएगी अम्मी जी, आप फिक्र नहीं करें। फिक्र कैसे ना करूं, तुम्हें कहा था ना बच्चे इसका ख्याल रखना खाने पीने का, ये ख्याल रखा है तुमने। अब शाहजी और नाजिम शाह पूछेंगे कि कैसी है उनकी लाडली तो क्या जवाब दूंगी। गलती हो गई अम्मी जी, ये भला किसी की सुनती कहाँ है, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ रुखसती होने तक इसके साथ ही रहूंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी इसे, एक जिद नहीं सुनूंगी इसकी। रहने दे, जा फकीरा, कुछ खाने को राइस के लिए अपने हाथों से खिलाऊंगी इसे। फकीरा, जनान खाने से बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात, किसी को कानो कान खबर ना हो कि माही चकरा के गिर गई थी। लोगों का क्या है, वो तो बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं करते। चल जा। मैं यहां से चला जाऊंगा माई, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है, पर इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। सबर करें तौफीक साहब, अगर आप ही हिम्मत हार बैठे तो बाकी घर वालों को कौन संभालेगा। डॉक्टर 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 वो मेरी मेरी वालदा अंदर है, उनकी तबीयत अब कैसी है? शी इज इन डीप शॉक, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगले 24 घंटे बहुत अहम है, आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। समझ नहीं आ रहा ऐसे मौके पर क्या करें, मेरा ख्याल है कि आप में से किसी एक का बाहुलपुर जाना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग चाहें तो मैं वहां जा सकता हूँ, मेरे साथ किसी को भेज दें। सजाद तुम जाओ ना सेठ साहब के साथ, मैं रुकता हूँ यहाँ तुम्हारी माँ के पास। जी मैं आपको फरी को छोड़ के, अरे फरी की फिक्र ना कर यार, फरी के पास नाहिद भी है, उसकी माँ भी है। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। ठीक है, चलते हुए मैं रिदा को आपके घर से पिक कर लूंगा, वो वहीं पर है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी, ठीक है, मैं अबू जी हूँ। सजाद भाई हमें भी अपने साथ ले चले बाहुलपुर, हम मिलकर फिदी को ढूंढेंगे। यार देखो यहाँ पे ना अब्बा जी को किसी की जरूरत है, अब्बा जी के पास किसी को होना चाहिए। ये बाला रुक जाएगा, हमें अपने साथ ले चले। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब्बा जी को अकेले मत छोड़ना, ठीक है?